नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रंजन स्वागत करता हूं आप लोग का हमारे अपने YouTube चैनल रियल कन्फेशन पे। दोस्तों, YouTube पे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि हम अपने YouTube वीडियो के लिए एक अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाएं, कौन सी ऐप की मदद लें जिससे YouTube वीडियो थंबनेल बनाने में आसानी हो और हम उसे आसानी से ऑपरेट कर सकें और मुझे कोई झंझट ना हो और एक अट्रैक्टिव थंबनेल बन जाए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पिक्सल लैब पे, तो आज की वीडियो इसी पे है। तो चलिए वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पिक्सल लैब की मदद से हम अपना एक अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने वापस मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ गया और यहाँ पे आपको पिक्सल लैब का लोगो दिख रहा होगा। तो जैसे ही मैं पिक्सल लैब पे मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलता है और यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट मिल जाते हैं। तो मैं सबसे पहला डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट जो आपको दिखा रहा था, मैं उसी को चूज करता हूँ। और आपको सबसे पहले यहाँ पे थ्री डॉट की जो लाइनें दिख रही होगी उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इमेज साइज में आपको जाना होगा और यहाँ पे आपको कस्टम दिख रहा होगा, प्री सेट में कस्टम दिख रहा होगा और एस्पेक्ट रेशियो 1:1 है। तो जैसे ही आप कस्टम के सामने वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कस्टम स्क्वायर प्रोफाइल पिक्चर यूट्यूब बैनर और यूट्यूब थंबनेल। जैसे आप यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करेंगे, आपका वो साइज जितना यूट्यूब थंबनेल का साइज होता है उस साइज का ही बनेगा। तो यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो 16:9 आ गया, तो इस पर मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पे जो भी पिक्चर बनेगा या फिर जो भी आप यहाँ पे फोटोज़ डालेंगे बिल्कुल थंबनेल के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ही सबसे नीचे में आप देख रहे होंगे ए का आपको आइकॉन दिख रहा होगा। तो जैसे आप आइकॉन पे क्लिक करेंगे, ए पे एडिट का एक ऑप्शन आएगा और यहाँ पे कुछ लिख दीजिए। तो चलिए मैं लिख देता हूँ हाउ टू चेंज जीमेल पासवर्ड, ओके कर दिया। ये आपको देखिए दिख रहा है हाउ टू चेंज ईमेल पासवर्ड, इसे खींच के लंबा कर दिया। अब यहाँ पे देखिए डिलीट भी कर सकते हैं, इसे कॉपी भी कर सकते हैं, बहुत सारा है। तो इसके पोजीशन को आप लेफ्ट राइट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं या अप डाउन कर सकते हैं। ये है आपका रिलेटिव पोजीशन में भी आप कर सकते हैं, दाएँ बाएँ कर भी सकते हैं। फिर इस टेक्स्ट के साइज को आप बढ़ा सकते हैं, देखिए थोड़ा बढ़ रहा है थोड़ा घट रहा है, तो मैं 110 ही रहने देता हूँ। उसके बाद पैडिंग है, टेक्सचर है, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, देखिए ब्लैक हो सकता है, ये बहुत सारा कलर है, आपको जो पसंद है वो चूज कीजिए। मैं ग्रेडियंट को चूज करता हूँ। और फिर यहाँ पे देखिए कैपेसिटी है, रोटेट है, फॉन्ट है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बहुत सारा आपको फॉन्ट मिल जाएगा। तो मैं बोल्ड को मैं प्रीफर करता हूँ, तो मैं कर लिया। उसके बाद देखिए स्टाइल है, तो यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, आपको जो करना है आप उसे चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कर्व हो सकता है, बैकग्राउंड, अब सबसे बड़ी बात इसे इनेबल करता हूँ बैकग्राउंड को। और यहाँ से मैं सपोज़ ये वाला बैकग्राउंड ठीक नहीं लग रहा है, मैं ये एक बैकग्राउंड दे दिया। अब देखिए अब आपको साइज को थोड़ा बढ़ाना होगा, तो फिर से वापस आप जाएँ और आप इसे क्लिक करें और यहाँ से आप वापस आइकॉन पर आ जाएँ। और जैसे ही आप साइज पे क्लिक करेंगे, देखिए ये आपके साइज को फिल करेगा, देखिए ये आपके साइज को फिल किया, ये देखिए अब हमारा यहाँ पे ये एक सेट हो गया। अब अगर आप चाहेंगे कोई हम लोग इमेज करें तो यहाँ वाला ए का जो आपका था सारा अपने आइकॉन देख लें, यहाँ पे 3D भी कर सकते हैं, रोटेट 3D रोटेट है, 3D शैडो है, रिफ्लेक्शन है, पर्सपेक्टिव है, आपको इनर साइड हो आउटर साइड हो जो भी चाहिए आपको सब मिलेगा। तो ए के बगल वाले आइकॉन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इंपोर्ट आ रहा है, आप यहाँ पे से कोई भी गैलरी की फ़ोटो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक फ़ोटो इंपोर्ट करके दिखाता हूँ आपको। मैं गैलरी में जाता हूँ और मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ और एक जीमेल की एक फ़ोटो ले लिया। अब आप देखिए इस फोटो को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ से कुछ ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ ड्रॉप नहीं करना है। यहाँ पे से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही बगल में जाएंगे, देखिए कलर, तो सबसे बड़ी बात है ये देखिए पीछे जो हम लोगों ने
डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट लिया था उसका भी कलर देखिए चेंज हो रहा है। अगर मैं ब्लू कर देता हूँ तो देखिए कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो डिफ़ॉल्ट जो आपका टेम्पलेट है उसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फिर देखिए ट्रांसपेरेंट है या फिर इमेज साइज करके आएगा, देखिए यहाँ से भी आप साइज चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से भी YouTube थंबनेल चूज कर सकते हैं। आप यहाँ से देखिए इमेज आ रहा है, तो देखिए बहुत सारा है, या आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारा है, बहुत सारा आपको मिल जाएगा। आपको जो पसंद है आप वो यूज़ करें। तो मैं इसे छोड़ देता हूँ ऐसे करके, तो मैं ये चूज कर लिया। अब देखिए इमेज फ्रॉम गैलरी, यहाँ से आप कर सकते हैं बहुत सारा, जो भी आपको पसंद हो वो कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, यहाँ कैमरा डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो ये हो गया। और यहाँ पर जो आपको प्लस का जो साइन दिख रहा होगा, आप यहाँ से भी आप इमेज को चूज कर सकते हैं। तो मैं एक इमेज और डाल के देखता हूँ, इसे मैं वापस डाउनलोड में जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक मोबाइल का सिंबल दे देता हूँ हाथ वाला। तो आप अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ, ये देखिए एडजस्ट हो रहा है थोड़ा धीरे धीरे। ये देखिए आई थिंक मैं इसे एडजस्ट ही मानता हूँ, आप एडजस्ट करते रहें। अब आप जैसे ही अगर सपोज आपका ये बन गया, अगर आपका ये थंबनेल रेडी हो गया, तो आप यहाँ से जाएं, आप सेव एज ए प्रोजेक्ट कर सकते हैं और सेव एज ए इमेज करेंगे। तो सेव एज ए इमेज करेंगे तो अब भी आपका गैलरी में सेव हो जाएगा, और सेव एज ए प्रोजेक्ट करेंगे तब आपका एक प्रोजेक्ट बन के ये रह जाए पिक्सल। तो इसे मैं करके रख दिया। देखिए ये माई प्रोजेक्ट में देखिए पिक्सल में आपको ये देखिए आपका प्रोजेक्ट दिख रहा है, देखिए ऊपर पिक्सल दिख रहा है। तो मैं ऐसा बहुत सारा बना के रखा था और इसे आप उपयोग कर सकते हैं। मैं ये कल बनाया था, देखिए मैं एक कल बनाया था, और ये आप देखिए MI 6 Pro का एक बनाया था। तो मैं इस टाइप से ही एडिट करता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें।